सेक्सुअल हेप्नोटाइज इन द यूथ एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट के आंकड़ों में अगर हम देखेंगे तो भारत में रेप के 31,677 मामले दर्ज किए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इन मामलों में अधिकतर अप्रोक्स 89% वो थे जो उस पीड़िता से परिचित थे। गौर कीजिए, इनमें से 10% अपराधी नाबालिग थे। नाबालिग अर्थात उबरता हुआ यूथ। सेक्स एक बहुत ही अनकंफर्टेबल शब्द है उन लोगों के लिए जो एक ऐसी पारिवारिक माहौल से बिलोंग करते हैं जहां पर संस्कार होते हैं। पर यहां पर इस टॉपिक को डिस्कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आज की यूथ को निगल रहा है। सेक्स के अर्थ उम्र के हिसाब से अलग अलग होते हैं। यूथ, नौजवान, अधेड़, वृद्ध, इनके लिए सेक्स के अर्थ अलग अलग होंगे। इसे आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी भूखे इंसान को खाने की थाली की जो लालसा होती है वही महत्व एक थोड़ा बहुत खाना खाए व्यक्ति के लिए कम होता है और इसी का अर्थ एक पूर्ण रूप से भोजन कर चुके व्यक्ति के लिए अलग होता है। एक बिल्कुल भूखा व्यक्ति उस थाली में ये नहीं देखेगा कि ये खाना पका हुआ है या नहीं, या फिर इसमें से दुर्गंध आ रही है, या फिर इसका स्वाद कैसा है, बस वो उस पर टूट पड़ेगा। वैसा ही हाल होता है सेक्स हिप्नोटाइज से ग्रस्त भूखे युवा का। वह उस समय रिश्तों की मर्यादा, उम्र का लहजा, जगह की पाबंदियां सब कुछ भूलकर अपने मस्तिष्क पर काबू नहीं रख पाता। आप अगर सर्वे करेंगे या फिर अपने आसपास या फिर खुद पर देखेंगे तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम न चाहते हुए भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसी कल्पना कर लेते हैं जिसे सोचकर हमें खुद से ग्रहण आती है। बहुत सी बार ऐसे स्थान जो कि धार्मिक है, जहां पर हम धार्मिक भावनाओं से गए हैं, वहां पर जाने पर हमारी भावनाएं किसी के शरीर को लेकर आकर्षित होती है जो कि उस समय हमें बिल्कुल गलत लगता है। हम ऐसी भावनाओं को मिटाना चाहते हैं पर हमारी भावनाओं को हम कंट्रोल नहीं कर पाते और उस व्यक्ति के बारे में ना चाहते हुए भी गलत भावना हमारे मस्तिष्क में पैदा हो जाती है। बस इसी डिजीज को कहेंगे सेक्स हिप्नोटाइज डिजीज इन द यूथ। आखिर ये समस्या क्यों होती है? अक्सर कहा जाता है कि इंसान जो देखता है उसी प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क में पैदा होते हैं। आज हर यूथ के हाथ में मोबाइल है और जिसके हाथ में नहीं है वह भी परिवार में से किसी भी सदस्य का मोबाइल इस्तेमाल कर ही लेता है। आजकल इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ऐसी शॉर्ट क्लिप्स, वेब सीरीज और फिल्में अवेलेबल है जिसमें अश्लीलता की चरम सीमा को दिखाया जाता है और संस्कारों की मजाक बनाई जाती है और रिश्तों में अश्लीलता दिखाई जाती है। जब एक ऐसा युवा इनको देखता है जिसकी भौतिक क्षमता इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो रिश्तों को समझ सके और फिर यहीं से उसकी मानसिक स्थिति डाइवर्ट हो जाती है और वो सेक्स हिप्नोटाइज का शिकार हो जाता है और फिर वो रियल जिंदगी में इनको फॉलो करने की सोचता है, वो पोर्न एडिक्ट हो जाता है। इससे उसकी मानसिकता दिन ब दिन और गंदी होती जाती है और अगर किसी समस्या हो या फिर गंदगी उसको सही समय पर साफ नहीं किया जाए तो उसका मवाद बढ़ता ही जाता है जो कि युवाओं के भविष्य के लिए अंधकारमय हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो या फिर आपके परिवार में या फिर आपके फ्रेंड जोन में कोई भी इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है तो आप कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल पर अपनी समस्या को मैसेज कर सकते हैं। यूथ यूनिवर्स आपसे संपर्क करके 99% समस्या को हल करने की कोशिश करेगा क्योंकि अगर यूथ युवा अवस्था में बर्बाद हो गया तो उसका भविष्य अंधकार में निश्चिंत है।